नहीं 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 मैं तो बताऊंगा भैया, नहीं 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 मैं तो बताऊंगा। गाइस गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी आप सोच रहे होंगे मैं गुड मॉर्निंग से गुड इवनिंग बोल रहा हूँ, नहीं क्योंकि अभी मेरे प्रैक्टिकल्स चालू थे ना, जैसे कि आप सभी को पता है मेरा कल केमिस्ट्री का था, आज मेरा बायो का था, क्योंकि आज फ्राइडे। तो प्रैक्टिकल वगैरह करते हुए अब शू स्कूल वगैरह से लाते हुए पूरा अभी टाइम हो चुका है, तो अभी लगभग 6:30 हो रहा है और फिर थोड़ी देर से जाते हैं अपन को ट्यूशन, मतलब 7:30 की ट्यूशन होती है, सुबह ट्यूशन होती है, शाम को ट्यूशन होती है। यार बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा, थोड़ी देर से अक्षु भी आ जाएगा ट्यूशन से, फिर वो उसको प्रोजेक्ट भी करके देना है क्योंकि उसको स्कूल से मिला है प्रोजेक्ट, पता नहीं कब सबमिट करना है, तो फिर मुझे ट्यूशन भी आना है। ये देखो नाम लिया और हाजिर आ गया, इधर इधर इधर। हाँ कब करना तेरे को प्रोजेक्ट, कब सबमिट करना है? कल सबमिट करना है। कहाँ से आते हैं? 27 को सबमिट करना है। ओके 27 को सबमिट करना है, तो अपने पास टाइम है, तो कल सैटरडे संडे परसों मंडे को देना है। कल मेरी छुट्टी है, कल मेरी छुट्टी है। कल क्या की छुट्टी है? कल पता नहीं मुझे, पर छुट्टी है। आहा, आहा, आहा। और उसके कल भी परसों तो संडे है। हाँ हाँ 4 सैटरडे है शायद से कल। हाँ तो अक्षु को तो छुट्टी होती है, मैं तो कॉलेज में, मुझे छुट्टी नहीं होती। अक्षु को 4 सैटरडे की छुट्टी होंगी और परसों तो संडे ही है, तो मंडे को सबमिट करना है, तब तक बना लेंगे। सो गाइज अभी अक्षु कर रहा है कुछ तो किचन में और मम्मी जी बाहर है, मम्मी जी को पता नहीं, मैं बैठा हूँ बीच के रूम में इसलिए मुझे पता है, मतलब आवाज आ रही कुछ पता तो नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी जाकर देखते क्या कर रहे तुम। तो चलते हैं अभी। वाह क्या सीन है, ये सब क्या चालू है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखो गाइस ये लड़का फ्रिज से निकाल कर दही खा रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत शक्कर वगैरह नाश कर रहा, मम्मी जी को पता चलेगा ना बेटा, मम्मी जी बाहर बात कर रहे हैं। तो अभी अक्षु रंगे हाथ पकड़ा जा चुका है। आपको भी खाना है, मम्मी को मत बताना ठीक है? देख लो गाइस क्या बोल रहे हैं, आपको भी खाना है क्या पूछ रहा, मम्मी जी को मत बताना, तो मैं तो मम्मी जी को बताऊंगा। अपने काम में मुझे भी ले रहे हैं। अब तो अक्षु का नाम बताना पड़ेगा, तो चलते हैं मम्मी जी के पास। नहीं 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 मैं तो बताऊंगा भैया, नहीं 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 मैं तो बताऊंगा। रिश्वत देना रिश्वत, कृष्णा भगवान माखन चोरते और ये दही चोर है, तो चोर तो चोर होता है। तो अभी चलते हैं मम्मी जी के पास, चलेंगे चल, मैं तो जा रहा भैया। वो मम्मी जी से बिना पूछे कुछ खाया मत कर पहली बार, और खाता है तो मम्मी जी को बता के खाया कर ठीक है, पर मम्मी को मत बताना। सो गाइस अब एक काम करते हैं, अक्षु को इस बार छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है ठीक है। ये तो ऐसा नाचने में कोई इच्छा लग रही है, बता देता मैं, बता दू ना तो जान दे। ठीक है ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ लेकिन यहाँ में पिघल गया, तो अभी खा ले, मम्मी से पूछ के खाना नेक्स्ट टाइम से। तो छोड़ देते गाइस अभी अक्षु का ऐसे। सो गाइस अपनी कल तो सेल्फ स्टिक बनी नहीं, अगर आपके पहचान में कोई हो जो मेरी सेल्फ स्टिक सुधार दे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिल गया मिल गया, अपन कल शादी में जाने वाले हैं। शादी में? हाँ भैया मुझे तो नहीं पता, तेरे को कौन बोला? आंटी और मम्मी जी बाहर बात कर रहे थे तो मैंने पता नहीं भैया, कल का कल से देखेंगे। गाइस ऐसी एक उड़ती उड़ती खबर आई है कि हम कल शादी में जाने वाले हैं, तो अक्षु का प्रोजेक्ट भी करना है, तो एक काम करते हैं पहले देख लेते हैं अभी कि अक्षु को प्रोजेक्ट मिला क्या है, तो फिर मतलब पूरा अरेंजमेंट कर लेंगे, जो जो उसको लगेगा पूरा लाके रख लेंगे, फिर बना लेंगे संडे वगैरह को, फिर मंडे को उसको सबमिट भी तो करना है। सो ये है अक्षु का प्रोजेक्ट,
ये पहले EBS का है, टर्म टू का लेसन क्या है, कम्युनिकेशन ओके और सबमिशन 3 तारीख, ये EBS का है 3 तारीख को ओके ओके। और ये मैथ्स का है, अच्छा अक्षय ने बोला था 27 को सबमिशन है, मैथ्स का 27 को सबमिशन है ओके। ये सब इंस्ट्रक्शंस होंगे और कैसे कैसे बनाना है वो सब दिखाऊंगा, बाकी पीछे तो ब्लैंक है पूरा। तो समझ गया, अपन को बना लेंगे कल अक्षु के साथ, मतलब अक्षु बनाएगा और मैं बस से गाइड करूंगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पर एक इवेंट दिखा, तो अभी एक काम करते उसे ट्राई करके देखते कैसे दिखता हूँ। अब लेते हैं फोटोज कुछ, ये लग चुका है अपना इफेक्ट। ये कौन है? मैं हूँ भूत। भूत कम एलियन ज्यादा दिख रहा है। तुम कौन हो वैसे? ज्यादा दिख रहा नहीं यार, जन्म नहीं यार। मैं हूँ अक्षय। मैं हूँ अक्षय कमरिया। मैं हस्तिका बस्ती प्रो। हस्तिका? मैं बस्ती का हस्ती सुना था, हस्तिका बस्ती। ओए ओए तू वो सब छोड़, मेरा चश्मा दे। यार नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ले लिए मेरे क्लासेस और अभी लगभग 7:30 भी होने चाहिए, मतलब हो ही गया, पहुंचते पहुंचते हो ही जाएगा, 15-10 मिनट तो लगते ही है वहां पर पहुंचने पर। और वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है ना, तो बहुत डस्ट है वहां पर और ट्रैफिक भी बहुत होता है, पहुंचते पहुंचते ही टाइम हो जाता है ट्यूशन पर। इसलिए एक काम करते, थोड़ा जल्दी निकलते तो आसानी से पहुंच जाएंगे जल्दी टाइम पर। सो देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि वो जो कंस्ट्रक्शन वाला रोड है वो यही है। वैसे तो रोज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, पर आज नहीं है। ये पूरी रोड रिपेयर हो रही है, पूरी नीचे गिट्टी पड़ी हुई है, यहाँ पर गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत संभल कर चलाना पड़ता है गाड़ी। गाइस ट्यूशन तो हो चुकी है, अभी चलते हैं घर। सो निकालते हैं अभी अपनी सीढ़ी डॉन, अपनी चेतक तो पप्पा जी लेकर गए हैं, सीढ़ी डॉन ही है अभी। तो अभी मैं आ चुका हूँ ट्यूशन से घर, चलते हैं छत पर। यो व्हाट्स अप गाइस, गाइस अभी कर रहे हैं अक्षु स्टंट्स। सो ये कौन से स्टंट है? ओए ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो कुछ अच्छा दिखा करके। हाँ अरे अरे ब्लॉग को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और ब्लॉग पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।